हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आए दिन हरियाणा में पेपर होते रहते हैं और पेपर होते हैं तो वे लीक हो जाते हैं, जिसके कारण लाखों युवाओं को परेशानी होती है, लाखों टीचरों को परेशानी होती है, यानी कि हर तबके को जो इस एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, नौकरियों के लिए तैयारी करता है या करवाता है, सभी को परेशानी होती है, सरकार को भी परेशानी होती है। तो अब पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार प्रयासरत, आपको पता ही है। तो अभी हरियाणा पुलिस का पेपर था 7 और 8 अगस्त को, वो पेपर लीक हो गया था, उसके बाद में बहुत ज़्यादा चर्चा में थी ये बातें। और हरियाणा सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया जिसके तहत थोड़ी कड़ी कार्रवाई की जाने के नियम बनाए गए हैं कि भाई पहले जो सख्त कानून नहीं था, यदि कोई पेपर लीक कराता या पेपर लीक करने की कोशिश करता या जो षड्यंत्र में शामिल होता, तो पहले कड़ी कार्रवाई नहीं होती थी। अब क्या है, कड़ी कार्रवाई होने का जो प्रावधान है वो विधेयक वो विधानसभा में पेश किया। दोस्तों, अब वो 11 सितंबर से वो नियम लागू हो गया है फाइनली। देखिए, हर कोई, जैसे कोई भी विधेयक पास किया जाता है विधानसभा में, उसके बाद में उसको राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो जब तक राज्यपाल के साइन नहीं होते तब तक वो कानून कानून नहीं बनता है। तो कल 11 सितंबर को राज्यपाल ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये जो नया कानून है, नौकरियों में पेपर लीक का जो मामला है, मुद्दा है, ये ना हो, ये समस्या ना हो, इसके लिए कानून बनाया गया है, वो अब फाइनली लागू हो गया है। और ये अभी जो HCS का एग्जाम है उसके ऊपर भी लागू है, आगे जो भी भर्तियां होगी वो इस नियम के तहत होगी, यानी कि इसके अंदर कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर जो नया कानून बना है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो मैं बस ये बताना चाहता था कि फाइनली वो नियम बन गया है, लागू हो गया है, राज्यपाल के हस्ताक्षर उसके ऊपर हो चुके हैं। 11 सितंबर को आपको कहीं ना कहीं जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा। यदि आपको पढ़ना है वो नोटिफिकेशन तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा। और आगे दोस्तों, अब क्या है, लोग डरेंगे, जैसे मुझे पेपर लीक करवाना है तो मैं भी डरूंगा, पेपर लीक करने वाला है वो भी डरेगा, षड्यंत्र रचने वाला है वो भी डरेगा, कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो थोड़ी सख्त हो गई है इसके तहत, ठीक है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपने शायद पढ़ा भी होगा चीज़ों को, तो जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।